तो दोस्तों यह है 12 स्लॉट सीलिंग फैन कॉइल। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसके एक कॉइल में कंटिन्यूटी मिल रहा है, लेकिन इसके दूसरे कॉइल में हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। यानी कि दोस्तों इसके दूसरे कॉइल का तार इन 12 स्लॉट में से कहीं पर से टूट गया है या ओपन हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर आपके सीलिंग फैन का कॉइल कहीं से टूट जाता है या कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, तो आप उसे बड़ी आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें झट से। हर तरह के रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहो डट के, क्योंकि हमारा रिपेयर करने का अंदाज होता है जीरो हट के। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इस सीलिंग फैन का जो कॉइल है उसमें कहां पर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो अंदर का कॉइल है, जो स्टार्टिंग कॉइल है, उसमें कंटिन्यूटी बता रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो इसका रनिंग कॉइल है उसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप कैसे इसका रिपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीमीटर लेंगे और इसे कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर देते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है उसको दिखा दें। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है, लेकिन दोस्तों इसका जो रनिंग वाली कॉइल है उसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आप यहां पर आपको चेक करके दिखाते हैं इसका जो दोनों सिरा है उसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो दोस्तों हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और आप इस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से अपने सीलिंग फैन का जो इस प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो रनिंग वाला कॉइल है उसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो तार है वह इन 12 स्लॉट में से कहीं पर से ओपन हो चुका है या टूट चुका है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक पुराना ब्लेड ले लेना है, उसमें धार ना हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना, अगर धार हो तो उसमें आपको रफ पेपर से घिस लेना है, क्योंकि दोस्तों इसको जब हम यहाँ इस तार को स्क्रैच करेंगे तो कटने का चांस ना रहे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसका जो सभी 12 स्लॉट है दोस्तों उसे आप चाहे तो स्क्रैच करके प्रत्येक स्लॉट में आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक सप्लाई जा रहा है कहाँ तक नहीं जा रहा है। दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसका जो कॉइल है दोस्तों उसके हम छठवें नंबर का जो उसका आधे स्लॉट है दोस्तों वहाँ पर हम स्क्रैच करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर स्क्रैच करेंगे और देखेंगे कि इसका जो स्टार्टिंग वाला तार है वहां से यहां तक सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर के एक प्रॉप को दोनों सिरे पर रख कर चेक करेंगे कि यहां तक सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमने यहां पर नीचे वाले स्लॉट में रख दिया है और यहां पर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो तार है दोस्तों इस रनिंग वाली कॉइल का वहाँ पर एक प्रॉप को रखेंगे और दूसरे पाप को यहाँ पर रखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें सप्लाई मिल रहा है, यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो ऊपर वाला जो स्लॉट है वहाँ से यहाँ तक सप्लाई आ रहा है, कंटिन्यूटी यहाँ तक मिल रहा है। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों ये जो ऊपर वाला सिरा है वहाँ से जो कंटिन्यूटी यहाँ तक आ रहा है तो उस तरफ इसका प्रॉब्लम नहीं है। जिसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों वह नीचे वाली जो स्लॉट है उसकी तरफ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने जो स्क्रैच किया है उसके आगे वाले स्लॉट में स्क्रैच करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे कि इसके आगे कंटिन्यूटी हमें मिल रहा है कि नहीं। तो हम उसी सिरे पर रखेंगे जहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिल रहा था। तो दोस्तों हम यही अगले वाले स्लॉट में रखेंगे जिसमें हमने अभी स्क्रैच किया है यहाँ पर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अगला स्लॉट को स्क्रैच किया, वहाँ पर भी हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ तक हमें सप्लाई आ रहा है। अब नीचे वाले में देखते हैं दोस्तों, तो नीचे वाले में सप्लाई यहाँ तक नहीं आ रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है, जो तार टूटा हुआ है वह नीचे की तरफ ही टूटा हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने जो पहले वाले के बाद दूसरे वाले स्क्रैच किया, अब उसके बाद तीसरे वाले जो स्लॉट है वहाँ पर स्क्रैच करेंगे और देखेंगे कि यहाँ तक कंटिन्यूटी हमें मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर तीसरी दफा यहाँ पर स्क्रैच किया है स्लॉट को। तो अब तो क्या करेंगे, हम जो ऊपर वाले सिरे से हमें कंटिन्यूटी ऊपर की तरफ से मिल रहा है तो हम जहाँ पर वहाँ पर हम इस प्रॉप को रख कर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कंटिन्यूटी कोई भी नहीं बता रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो कंटिन्यूटी है वह यहाँ तक नहीं आ रहा है। अब हम नीचे वाले सिरे से देखते हैं, तो दोस्तों नीचे वाले सिरे से कंटिन्यूटी यहाँ तक मिल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि नीचे वाले प्रॉब जो सिरा है वहाँ से कंटिन्यूटी मिल रहा है और ऊपर वाले जो सिरे से कंटिन्यूटी मिल रहा था वह यहाँ तक नहीं मिल रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो दोनों स्लॉट है
इन दोनों स्लॉट के बीच जो तार है वह ओपन हो जाए या टूट चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपका जो सीलिंग फैन का जो स्लॉट है वो उसमें कहां पर से तार टूटा हुआ है और कहां पर से वायर ओपन हो चुका है, उसको आप इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों स्लॉट के बीच हमारा जो कंटिन्यूटी है वह नहीं आ रहा है इसके सप्लाई यहाँ से। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों स्लॉट है उसको हम घिसेंगे और घिस कर दोस्तों एक जम्पर के रूप में एक तार लगाएंगे इन दोनों स्लॉट को, तो इसका जो सर्किट है दोस्तों वह कंप्लीट हो जाएगा और हमें इसका कंटिन्यूटी मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों स्लॉट है उससे थोड़ी अच्छे से घिसेंगे ताकि हम इसमें सोल्डिंग कर सकें और एक तार लगा सकें। तो चलिए हम इसमें सोल्डिंग आयरन की मदद से इसमें अच्छे से रंगा लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ब्लेड से हम इसे अच्छे से घिस देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर जम्पर इसलिए लगाएंगे, दोस्तों अगर हम इसके टूटे हुए तार को ढूंढेंगे तो हम इसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर आपको इसके टूटे हुए तार नजर आया है तो आप उस तार को भी जोड़ सकते हैं, आपको जम्पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ पर हमने घिसे हैं वहाँ पर हम सोल्डिंग आयरन की मदद से रंगा लगा लेते हैं ताकि हमें उसमें एक वायर लगाएंगे इस प्रकार का जम्पर तो हमें लगाने में आसानी हो। तो दोस्तों हम इस वायर को दोनों स्लॉट में इस प्रकार से जोड़ देंगे तो इसका जो सर्किट है दोस्तों वह कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो कंटिन्यूटी न मिलने वाली जो प्रॉब्लम है दोस्तों वह सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से इसमें जम्पर लगा दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों सिरों को इस प्रकार से दोनों प्रॉब में रखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो चुका है। तो अगर दोस्तों आपके फैन में इस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा हो जिसमें कंटिन्यू ना मिले तो आप इस प्रकार से उसका रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर तीन वायर लिए हैं, दो वाइट लिए हैं और एक ब्लू लिया है। दोस्तों ब्लू वाली वायर को हम कॉमन वायर बनाएंगे और जो रेड जो व्हाइट वाली वायर है दोस्तों उसको हम एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का वायर बनाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर इस प्रकार से वायर को घुसा लिए और वायर को घुसा लेने के बाद जो वायर हम यहाँ पर लगाने वाले हैं उसे इस प्रकार से बांध कर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो दोस्तों यह आसानी से इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो वायर है उसका कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं दोस्तों हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो इसमें दो वायर इसमें स्टार्टिंग का है और दो वायर इसका रनिंग का है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक इसका पहले वाले सिरा को लेना है और एक रनिंग वाली कॉइल का पहले वाले सिरा को लेना है। तो इस प्रकार से आपको आपस में जोड़ देना है और इस प्रकार दोस्तों ये जो दोनों तार को जोड़ने पर ये हमारा कॉमन वायर हो जाता है और जो बाकी का वायर बचता है दोस्तों एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, उसको आपको एक एक वायर अलग से जोड़ लेना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ब्लू वाली वायर लिया है उसको हम कॉमन वायर बनाएंगे तो हम इसमें एक स्लिप लगा लेंगे और जो वायर को दोस्तों हम रनिंग और स्टार्टिंग के तार को जोड़े थे उसे इस ब्लू वाली वायर में जोड़ देंगे और सोल्डिंग कर देंगे और ये हमारा कॉमन वायर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम व्हाइट वाली वायर में हम एक जो स्टार्टिंग वाली कॉइल का एक तार बचा हो वहाँ पर हम इसे जोड़ देते हैं। तो इसके बाद हम लेंगे जो हमारा रनिंग वाली कॉइल का एक सिरा बचा हुआ है वहाँ पर हम व्हाइट वाली वायर को यहाँ पर स्लिप लगाकर जोड़ देंगे तो इसका जो दोस्तों कनेक्शन है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका वायर दोस्तों हम इसे इस प्रकार से जोड़ लिए हैं, अब इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका कनेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों इसमें ये जो हमने ब्लू वाली वायर लगाया हुआ हमारी कॉमन वायर है और जो व्हाइट वाली वायर है दोस्तों वह एक रनिंग का और स्टार्टिंग। तो हम यहाँ पर दोस्तों इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है, हम इस वाली वायर में भी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अब हम दोस्तों इसमें इसका जो स्टार्टिंग वाली जो वायर है वहाँ पर भी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी हमारा जो कनेक्शन है वह सही हुआ है। तो यहाँ पर हम इसके बॉडी पर चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें करेंट तो नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बॉडी होने का टेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों हमने इसका कनेक्शन दिया है, अब इसका जो फिटिंग कनेक्शन है उसको कर देंगे और आपको करके दिखाएंगे।
तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल चीजों के बारे में नए नए चीज सीखना चाहते हैं और रिपेयरिंग करना जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो सीलिंग फैन है वह प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अगर आपके फैन में इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से उसका रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।